फराज, मैं जिस काम में हूं ना, अगले का झूठ बोलने से पहले पकड़ लेता हूं, और अगर पकड़ लिया ना तो फिर छोड़ता नहीं हूं मैं। अपना फोन दो उसे। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूं, फौरन फोन करो। तू सोच भी नहीं सकता आज मेरा और शिब्रा का क्या सीन हुआ है। और तू ये नहीं सोच सकता कि तेरा बाप मेरा क्या हशर करने वाला है। अबे देवदास के बच्चे, तू है किधर और अपना दूसरा फोन क्यों नहीं खोल रहा? क्या? एक सेकंड रुक, पता हुआ क्या? अच्छा एक काम कर, स्पॉट पे आ जा, वहीं बात करते हैं। सफ़ीर, तुम्हें पता है मैं सेक्रेटरी साहब का डिनर छोड़ के सिर्फ इसलिए आया हूँ कि इतने अरसे बाद हम सब लोग मिल बैठ के खाना खाएंगे, और वो फजल बख्श लापरवाही से कहीं चला गया। शिब्रा, अपने अब्बा से कह दो मेरा बेटा कोई हवा खोरी करने या मस्ती करने नहीं निकला है, अपने दोस्त के ऑपरेशन के लिए खून की अतियात जमा करने निकला है। तो ये बात आप खुद कह देना अब्बा को, मैं क्यों मीडिएटर बनी हुई हूँ? अच्छा छोड़े ना, आज खाना खाते हैं, फजल बख्श के साथ आप नाश्ता कर लीजिएगा। उठे उठे, शाबाश। अगर यही बात है तो तुम भी फिर अपनी माँ हिटलर से ये कह दो कि हम भी खाना खाएंगे तो इसके साथ ही खाएंगे। हिटलर का रवैया खुद अपनाया हुआ है और खिताब मुझे दे रखा है, देख रही हो शिब्रा? देख लिया मैंने, और मैंने एक फैसला भी कर लिया है, आज से हिटलर के मनसब पे सिर्फ और सिर्फ आप बराजमा रहेंगी, और बाबा आप राया बन के हम सबकी सिर्फ खिदमत करेंगे। बोले मंजूर है? चुकू मेरी जान, बस मेरी जान मान जाए इससे पहले कि कहीं मेरी अपनी जान ना निकल जाए। अल्लाह, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको मेरी भी जिंदगी लग जाए, आइंदा ऐसी बात ना कीजिएगा। अरे सदके कुर्बान की खुशी से मरना जाते अगर एतबार होता। यार वो सुकैना भी नाराज है मुझसे, तो मेरी सुलह करा दो उसे। चले ना, भूख लग रही है। नाराज बैठी छोटाए, टुक टुक आ जाए। बिस्मिल्लाह, चले भाई, बड़ी भूख लगी है। हेल हिटलर, छोड़े।